Hey, y'all, come look at this. देखो बोल भी राम खाई लगी है। थोड़ी सीख ये लगी कि जंगल को और कोई भी नदी नाले को लाइटिंग नहीं लेना चाहिए। हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो टकने पर पानी सोचे और कहा आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, तो मतलब पूरी गलती वो ड्राइवर की थी, बेवकूफ इंसान की। अच्छा, हमने बिल्कुल लाइट ले ली हमारे ड्राइवर ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। अपने फेल होने से भी बड़ा दुख होता है अपने दोस्त के पास। बहुत बड़ा दिया तुमने आज, यही फीलिंग आई। गिरे गिरे गिरे, बिना गिरे आते हुए देख निकल गए। जानता हूँ मैं आपके दिलों से गालियाँ निकल रही होंगी ये शॉट देख के, लेकिन मैंने इसको 10x में जूम करके लिया था, बहुत दूर था मोर। ये देखिए आप, कम से कम 50 हिरन हैं जिनका हमारे को दीदार हुआ है, आते ही जा रहे हैं। देखिए कितने कितने सारे हैं, देखिए आप, माशाल्लाह। मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा यार, क्लियर। 50 से ऊपर ही है तो शतक मार दिया ऐसा लग रहा है इन लोगों ने। तो कभी जिंदगी में सही कह रहा हूँ, 100 से भी ज़्यादा। दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। इट्स माय अपील फ्रॉम द एवरीवन, प्लीज सेव द वाइल्ड एंड प्लीज सेव द वाइल्ड लाइफ। क्या देख ब्लेड भाई, क्या क्या दिख गया अभी आपको यहाँ पर आए हो तो? हम लोग आए हैं दुधिया नर्सरी और ये रूखड़ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक रिसॉर्ट ओपन होने वाला है और अभी वो प्रोसेसिंग में है, उसी को हम विज़िट करने जा रहे हैं। और यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है और आज का हमारा जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एडवेंचर से भरा हुआ। उसका पहला साइन हमारी टीम मेट के गिरने से मिला और ये कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, तो अब हम यहाँ रुकते हैं, देखते हैं क्या कुछ हमको मिलता है नया एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ। तो रुक के एक्सपीरियंस करते हैं अब हम। जंगल के नियमों का पालन करें, आदर करें, जानवरों से विशेष दूरी बनाए रखें। यहाँ पर जो है ट्रायल एक्सेस भी है, एरो बना हुआ है घर और एक अपने जैसा कोई वन मानुष लग रहा है मेरे को। ये तो मेरे को हिमन नहीं लग रहा बाप, ये मेरे को वन मानुष ही लग रहा है। ये काफी अंदर यहाँ पर ट्रैकिंग होगी यहाँ से। ये जो है मेरे को दिख रहा है कि वॉक थ्रू करने का रास्ता दिख रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अपन को जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ से आगे प्रस्थान किया जाए। मुझे ट्रेल के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ट्रेल का हिंदी में अनुवाद होता है पगडंडी। बाकी अब इन लोग यहाँ क्या कराते हैं ट्रेल में, इसके बारे में यहाँ का कोई कार्यकर्ता या कोई जो अधिकारी होगा वही बताएगा। और किस्मत से ये दो लोग मिल गए, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं और कुछ जंगल के बारे में जानकारी दीजिए, और ये आपके जो मोर का पंख लगा है उसके बारे में भी कुछ बताइए, कहाँ से आपने कहाँ से प्राप्त किए इसको? ये क्या बारिश में सर ये पंख गिरा देते हैं मोर, बारिश की छड़ी जो होती है उससे। जी, तो अभी हम लोग जंगल गए थे, लौट रहे जंगल गए थे। क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? जी, नन्नू गांव से। क्या
मतलब आप गश्ती उसमें हैं क्या? गश्ती में है। तो यहाँ पर जानवरों की क्या गतिविधियाँ है सर? जानवर तो चीतल, सांबा, अच्छा अच्छा, टाइगर है, लेपर्ड है। तो आप जब गश्ती करते हैं तो आपको कभी सामना हुआ क्या? कई बार दूर से आहट पे चला जाता है वापस में। आप किसी तरीके का कोई नुकसान का भी इतने सालों में? मेरे को लगता है आप काफी सीनियर आदमी हो, काफी दिनों से आप मतलब इस जॉब को कर रहे होंगे, तो कभी ऐसा आमना सामना हुआ है कि आप गश्ती कर रहे हैं और कभी शेर का आपका आमना सामना हो गया हो? हाँ हुआ है, एक दो बार हुआ है। तो मतलब शेर जो है हुड़कारता है और फिर वापस चला जाता है, मतलब वो किसी को व्यक्तिगत तरीके से क्षति नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको मतलब नुकसान ना पहुंचाए तब तक वो अपने ऊपर अटैक नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो रास्ते हैं, ये प्रतिबंधित हैं या फिर लोग इसमें चहलकर्मी कर सकते हैं? नहीं सर, प्रतिबंधित। ये प्रतिबंधित है, रिसोर्ट वाले ही आते हैं, इस पे सफारी नहीं होती। अच्छा अच्छा, सफारी नहीं होती है इसमें, बफर जोन कहलाता है। जी सर, ये काय में आता है? ये पूरा बफर जोन एरिया है सर, ये बफर जोन एरिया है, अपना रूखड़ की अंतर्गत आता है ये। और वो जो ट्रेल पॉइंट जो है उस पे कोई बच्चे लोग आते हैं, जैसे अनुभूति कार्यक्रम होता है तो उनको फिर ट्रेल पे घुमाना पड़ता है। अच्छा, वो ट्रेल पॉइंट जो है वहाँ जानवर नहीं है क्या? ट्रैकिंग कर सकते हैं मतलब पैदल? अगर आपको भी जाना चाहें तो आपके परमिशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए की जरूरत पड़ती है। फिर आपके साथ में गाइड भी रहेगा, हम लोग रहेंगे, हमारे फॉरेस्ट गार्ड रहेंगे, मतलब आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो जानवरों। तो उसमें ऐसा कुछ प्रतिबंधित है कि मतलब कितने लोगों की संख्या होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए? अधिकारी लोग बताते हैं सर। ऐसा है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अगर नेक्स्ट टाइम आए तो आपके साथ आप अधिकारी, ठीक है सर, बात करें। ये ब्लॉग बन रहा है, यूट्यूब में जरूर देखें। आज का जो हमारा जो ब्लॉग है काफी एडवेंचर से भरा हुआ है। शाम होने वाली है और हम लोग जहाँ जाने वाले थे वहाँ अभी तक पहुँचे नहीं हैं। बारिश का मौसम भी बन गया है। हमारे दो साथी लोग आते आते गिर भी गए थे नाला क्रॉस करते हुए। ये जो साथी गिरे थे उनमें से दो लोग यहीं पर मौजूद हैं, ये खड़े हुए हैं। और हम लोग जो रिसॉर्ट आए हैं ये अभी प्रोसेसिंग में है, अभी वो बन रहा है, हम उसी को विज़िट करने जा रहे हैं। और ये यहीं का व्यू है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जंगल है ये। और ये एक वृक्ष है जो काफ़ी प्राचीन है। इसके चाट होती जंगल में हाँ। मेरे को नहीं लगता यार, लेकिन बिल्कुल शेर, चीते, भालू, कोई भी जानवर का मतलब डर नहीं लगता। हालांकि वो आ जाएगा तो क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा अपना, उसका वो एक अलग बात है, लेकिन पहले से तो अपन को कोई डर नहीं है। आगे कुछ दिख रहा है, किसी का घर दिख रहा है ना, तिरपाल तिरपाल डाला है। नहीं, वो कुछ और दिख रहा है, वो टपड़े ऐसा हो सकता है, फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट वालों का कुछ होगा। वापस जाने में समझदारी अपने आप। काफ़ी अट्रैक्टिव फॉरेस्ट लग रहा था तो हम लोग चहलकर्मी करने चले गए थे, अब वापस आ गए। और ये NH7 पहले थी, उसका नाम चेंज करके NH44 कर दिए हैं। उसके साइड में ये एक लेक है जिसका नाम है दुधिया तालाब, तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको, काफ़ी शानदार व्यू है। वो अमेजिंग प्लेस गाइस, आफ्टर सीइंग दिस प्लेस आई फील वेरी रिलैक्सिंग। क्रेडिट गोज टू मोहसिन भाई, यहाँ पर आने का क्रेडिट पूरा मोहसिन भाई को जाता है, क्योंकि उन्हीं ने आज यहाँ रिकमेंड किए थे और उन्हीं के वजह से हम आए। और ये हमारे मोहसिन भाई और जोहेब भाई, इन्हीं ने यहाँ लेके आए। क्यों दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश कुमार को टिंगू कहता है। वो तो टिंगू कह रहा है यार। भाई लेकिन जो भी है एक चीज बोलना चाहूंगा, आपकी मुच्छी जो है माशाल्लाह, मतलब एक लिप्टन टाइगर की एड आती थी, जोरदार यार, ऊपर करो ना उनको मुच्छी को। तो कभी यहाँ पर आपको टाइगर देखा हो, कभी आपको टाइगर देखे तो आप अपनी मुच्छों पे ताव दे दे, टाइगर वहीं से भाग जाएगा। नहीं, क्या बोलते हो? नहीं,
ये पानी कितना गहरा होगा? चारक पुरुष चारक पुरुष के चार पुरुष, मतलब कि एक ज्यादा है, एक औसतन आदमी की जो है फिर 6 फीट रहती है, 24 फीट गहरा है। मतलब बारिश भी शुरू हो चुकी है, हम लोग बाइक से आए क्यों? इनको एक बार टाइगर भी दिखा दो भाई। कहाँ दिखा था भाई आपको टाइगर? जो है वो पानी पीने, पानी पीने जूम करके देखता हूँ, वहाँ आया था। अच्छा, दो बार लेपर्ड, दो बार टाइगर देखा। ये आपका नाम क्या है भैया? आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 4-5 महीने। तो यहाँ पर ये प्रतिबंधित क्षेत्र बफर जोन के अंतर्गत आता है, दुधिया तालाब का पिछवाड़ा वाला एरिया है, पीछे वाला एरिया है। तो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जंगली जानवर दिखे क्या? क्या क्या दिख गया आपको? अच्छा, तो आप अभी बता रहे थे कि कौन सा वाला स्पॉट था वहाँ पर? तो शेर था कि लेपर्ड था, आप कुछ बताना चाहेंगे? लेपर्ड था। तो कितनी देर तक बैठा रहा वो यहाँ पर? मिनिमम काफी देर तक हमने देखे, फिर शाम तक ऊपर चढ़ गए। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर गतिविधियाँ जो है वो जंगली जानवरों की वो बनी रहती है। तो ये रिसोर्ट में जो भी लोग रुकेंगे उनके लिए मतलब उम्मीद ज्यादा है कि जो यहाँ पर रुकते हैं तो उनको जानवरों के दर्शन हो सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है और खूबसूरती के हिसाब से भी, जंगली जानवरों के दर्शन के हिसाब से, है ना? आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जंगल के बीचों बीच साथ भाई अपन, और काफी लोगों से आपने बात की, और मेरा दिल हुआ क्या ना आपकी वीडियो बना और आपका एक्सपीरियंस ले कि जंगल के बारे में क्या बोलते हैं आप। भाई मेरे को तो जंगल पानी शुरू से काफी ज्यादा पसंद है, और यहाँ हम तो दोस्त हैं साथ में, और फिर ये प्राकृतिक सुंदरता जो बारिश भी शुरू कर दी है लद्दाख में, बड़ा चांस लग गया भाई, काफी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। मजा आ रही है आपको? बिल्कुल। और जैसे एक बात पूछना था आपसे, खुदा ना खास्ता बारिश रुकती नहीं है और फंस गए यहाँ, तो क्या कंडीशन बनती फिर अपनी यहाँ? और अपन तो सोच रहे भाई जो खाना बनाते साथ में खा लेंगे, मिलकर 4-5 लोग तो हैं, जो भी दाल चावल जो बनेगा साथ में खा लेंगे। शानदार मुझे अपने भाई दिनेश जैसे, वरना मुझे ही ना हो। इस सफर का आगाज जो हुआ था वो कड़ी धूप में हुआ था, लेकिन अभी जो अंजाम तक पहुंचे हैं हम ये देख रहे हैं मूसलाधार बारिश का नज़ारा, और चेहरे में जो है वो मोहसिन भाई की मुस्कुराहट है, और आप लोग समझ सकते हैं कि मुस्कुराहट का क्या राज हो सकता है। शम्मा आप क्या बोलना चाहो? ये देखिए बारिश, ये जो है ये कड़ाका, वाह वाह वाह, ये कड़ाका, ये बारिश, ये पानी, ये मछली, ये वादियाँ, ये झाड़, ये जंगल, ये पौधे, कितनी तारीफ करूँ तेरी यार। अब ये बंटी भाई और ये मौसम भाई, और मौसम भाई काफ़ी ज़्यादा जंगल आने पर कतराते हैं, और ये पहली बार जंगल आए और अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बारिश रुक क्यों नहीं रही है। हुसैन भाई आप आए हैं और ये बारिश जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है दुधिया तालाब में, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप निकल पाएंगे कि नहीं यहाँ से? देखो जो है भाई तो मालूम ही है, आप वो भी जानते हैं। हाँ अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे नज़ारा कैसा लग रहा है आपको, क्या बोलते हैं? आपके पीछे का नज़ारा तो देखने ही लायक बन रहा है भाई, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई पीछे का, तो बहुत खूबसूरत। मोहसिन भाई का डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये जंगल है, और जंगल में अगर बेखौफ कोई रहता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शेर, और डर हर एक बंदा रहा है यहाँ, लेकिन अभी कोई सो नहीं कर रहा। खैर थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली सबके चेहरों में डर सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रात होने वाली है और बारिश रुक नहीं रही है, और हम सब लोग जो है बाइक से आए, और
रास्ता इतना कच्चा है वापस लौटने के लिए कि हम लोग आते आते ही एक गाड़ी वाला हमारा गिर चुका था। अब काफ़ी चैलेंजिंग होगा हमारा इन रास्तों से वापस जाना। और देखिए बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि थोड़ा कम हुई है, तो अब हम लोगों को निकलना चाहिए। अब हम लोग निकल चुके हैं और हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी मुश्किल होगा इन कच्चे रास्तों से हाईवे तक निकलना। बारिश अलग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी अभी हमको बैड न्यूज़ मिली कि हमारी एक बाइक का जो हेडलाइट है वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। अब हमारी परेशानियों में चार चांद लग गए हैं। अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए हाईवे तक निकलना। दोबारा मुलाकात अब अपनी हाईवे में होगी अगर हाईवे तक पहुँच गए तो। और आखिरकार तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद हम लोग हाईवे पहुंच ही गए। साथी पूरे भीग चुके हैं दोनों, बाइक पूरा फुल भीग रहा है बाबा। ये बाइक चल, बाइक राइड यही कर रहे हैं। सम्मा भाई से गुजारे से थोड़ी स्लो चलाएं गाड़ी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। पानी की बूंदे कैसे लग रही है? पानी की बूंदे ऐसा लग रहा है जैसे कि ओले पार कर रही है। आप इतनी बैठे याद आ गई आज। ये मंगेश भैया हैं, ये गाइड हैं, पार्ट टाइमर चाय की टपरी चलाते हैं। इनके पास हम लोगों ने बैठ के काफ़ी देर चाय पिया और इंतज़ार किया बारिश के रुकने का, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब हम लोगों ने सभी ने फिर से फैसला लिए हैं कि अब हम लोगों को भीगते हुए ही पूरा सिवनी तक के वापस जाना होगा। मूसलाधार कड़ाके वाली बारिश के साथ काली अंधेरी रात में हाईवे में चलते हुए हम और हमारी गाड़ी का लाइट गोल बस जा रहे हैं भाई अल्लाह भरोसे। देखो जिंदा रहे तो बताता हूँ घर पहुँच के। गाइस हम लोग फाइनली घर पहुँच गए सही सलामत। और आज का हमारा जो ब्लॉग था, ये ब्लॉग नहीं, बारिश के यहाँ तो हमारी पिटाई थी, खतरों से भरा हुआ टास्क था। मुसीबतें तो ऐसी थी कि एक के बाद एक बिन बुलाए आते जाते हैं। मूसलाधार बारिश, सारी मुश्किलें एक साथ आ गई थी। किसी तरह हम लोग फाइनली सही सलामत घर पहुंच गए हैं। आज का हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल मीट अगेन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन गुड बाय।